हेलो एवरीवन, दिस इज शुभ पांडे है। तो आप सभी तो जानती हैं कि मैंने अभी कुछ दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था जिसका नाम था अ गर्ल विद ब्यूटीफुल हेयर। तो आज मैं आपको उसी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि अगर हम नॉर्मल पेंसिल यूज कर रहे हैं तो जितना हो सके उसे उतना लाइट वर्क करना है। हमें फ्री हैंड ग्राफ नहीं बनाना है, डिटेलिंग्स अच्छे से नहीं हो पाएंगी, इसलिए हमें रूलर ही यूज करना है। कोशिश करिएगा कि पेंसिल कंपास से लेंथ में छोटी हो। अब हम स्केच की डिटेलिंग्स शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बालों को आकार देना शुरू करेंगे और आकार देते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम हल्की पेंसिल का ही इस्तेमाल करें। अब हम आंख बनाना शुरू करेंगे और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे हाथ से बाकी का स्केच गंदा ना हो। नाक का ऊपरी हिस्सा ब्लेंडिंग स्ट्रोक की मदद से बाद में बनाएंगे। नाक के बाद होंठ पूरे बनाएंगे। यहाँ मैंने आंख को डार्क पेंसिल से फाइनलाइज कर दिया है। अब हम बालों के ऊपर फूल बनाएंगे। फूलों का डिजाइन आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं जिससे आपका स्केच सुंदर लगे। यहाँ मैंने बालों के ऊपरी हिस्से को बनाया है और आंख फाइनलाइज कर ली है। कान पूरा बना लेंगे और फूलों की आउटलाइन पर हल्की पेंसिल से शेडिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने ब्लेंडिंग स्टंप यूज किया है, इसकी जगह आप कॉटन ईयरबड्स भी यूज कर सकते हैं। बालों की आउटलाइन डार्क कर लेंगे। हेयर टेक्सचर डिटेलिंग। टेक्सचर ऐसा बनाएंगे जिससे कि असली बालों की तरह लगे और आपका स्केच सुंदर लगे। यहाँ मैंने बालों के ऊपरी हिस्से की आउटलाइन पे थोड़ी शेडिंग की है। अब हम बालों का टेक्सचर बनाएंगे और आप देखेंगे कि अब आपका स्केच बहुत खूबसूरती से बनकर तैयार हो गया है। अब मेरा स्केच बनकर तैयार हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।